नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार के अमरजीत ने युवाओं के लिए पेश की मिसाल। बिहार की 100% महिलाएं शराबबंदी से हैं खुश। डिप्टी सीएम ने कहा, महागठबंधन की सरकार में खेल को दिया जाएगा बढ़ावा। हार्दिक ने बताया कैसे उन्होंने अपने अंदर के धोनी को जगाया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर लगी मुहर। आज यानी 30 अगस्त को महागठबंधन की सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाया गया। आज की कैबिनेट बैठक में पिछड़ा, अति पिछड़ा, कन्या हाईस्कूल के लिए बड़े पैमाने पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई, जिनमें कन्या हाईस्कूल में 1365 पदों की स्वीकृति मिली है। इस पर सरकार को हर साल 49,51,500 रुपए का खर्चा आएगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने बालों का रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। टीचर के बकाया वेतन का भी भुगतान करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का मुख्यमंत्री ने किया मुआयना। एक ओर जहां बिहार के कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति है, वहीं बिहार के दियारा क्षेत्रों में गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से गांवों में पानी घुस आया है। दोनों स्थितियों में बिहार की जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगा, कोसी जैसे प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच बीते दिन मुख्यमंत्री ने राजधानी पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। कच्ची दरगाह से मोटर बोट से राघोपुर पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के जलस्तर और धार को बारीकी से देखा। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के आसपास दियारा के इलाकों की स्थिति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार बाढ़ को लेकर अलर्ट है, हमारी नजर सभी चीजों पर बनी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें। बिहार के अमरजीत ने युवाओं के लिए पेश की मिसाल। बिहार में होनहार की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बस इन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। इसी कड़ी में बिहार के एक बेटे ने एक बार फिर से गुदरी के लाल वाले मुहावरे को चरितार्थ किया है। दरअसल पटना के बोरिंग रोड इलाके के रहने वाले 18 वर्षीय अमरजीत कुमार को बैंगलोर के आचार्य विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपए की पूरी छात्रवृत्ति मिली है। खास बात यह है कि 35 लाख स्कॉलरशिप पाने वाले इस मेधावी युवा की मां दूसरों के घरों में बाई काम करती हैं। अमरजीत का परिवार गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आता है और वह अपने परिवार से कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य होंगे और इस तरह अमरजीत ने अपने समाज के लिए एक मिसाल पेश किया है। दिसंबर तक 20 से अधिक एजेंसियां विदेश में रोजगार दिलाने के लिए करेंगी काम। बिहार में रोजगार के लिए फर्जी तरीके से विदेश भेजने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि अब बिहार सरकार देश विदेश में बिहारी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वसनीय एजेंसी का सहारा लेगी। ऐसे में दिसंबर तक श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से 20 से अधिक एजेंसियों का चयन होगा। ये एजेंसियां देश या देश से बाहर रोजगार पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को रास्ता दिखाएगी और मदद करेगी। इन एजेंसियों के माध्यम से बिहार से वैसे कामगार जिनके लिए ई माइग्रेशन और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, वहीं फर्जी एजेंसियों के खिलाफ गाँव स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आपको बताते चले कि ब्यूरो के द्वारा इन सभी का उन्मुखीकरण केंद्र नियोजन भवन पटना, संयुक्त श्रम भवन गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी कार्य कर रहा है। इन केंद्रों पर विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, महागठबंधन सरकार का पतन शुरू। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और जदयू ने राजद के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाई है, तभी से ही सत्ता से विपक्ष में आई भाजपा का कहना है कि यह महागठबंधन ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है और इस महागठबंधन का पतन होना तय है और राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि महागठबंधन के पतन की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के आते ही संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने एवं नीचा दिखाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो गलत है उन्हें सीबीआई और ईडी से घबराहट हो रही है। आरोप लगाया गया है कि लोग कल न्यायालय को भी काम नहीं करने देंगे। बिहार में भ्रष्टाचारियों को बेचैनी क्यों है? 1 सितंबर से आरंभ हो रहा है हिंदी पखवाड़ा सह पुस्तक 14 मेला। अगले महीने के 14 तारीख को हिंदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में राजधानी पटना में 1 सितंबर से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी पखवाड़ा सह पुस्तक 14 मेला का आयोजन
किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदी पखवाड़े के प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10 बजे से छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता, काव्य कार्यशाला, कथा लेखन कार्यशाला आदि के आयोजन होगा, जबकि अपराह्न 4 बजे से विविध साहित्यिक उत्सव होंगे। वही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन 14 हिंदी सेवियों को सम्मेलन की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। इसका उद्घाटन 1 सितंबर को दोपहर 3 बजे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा किया जाना है। इस विशेष मौके पर न्यायमूर्ति मृदुला मिश्र और बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। महागठबंधन की सरकार में खेल को दिया जाएगा बढ़ावा। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर ऊर्जा ऑडिटोरियम में खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां कुल 211 खिलाड़ी सहित 6 प्रशिक्षक को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मौके पर खेल को बढ़ावा देने के साथ ही केंद्र सरकार से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न का सम्मान देने की बात कही है। बीते दिन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कला संस्कृति विभाग को सलाह देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराएं ताकि खिलाड़ी बेहतर खेल का प्रदर्शन कर सके। बिहार की 100% महिलाएं शराबबंदी से हैं खुश। बिहार में शराबबंदी से महिलाएं सबसे अधिक खुश हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रिपोर्ट कह रही है। मध्य निषेध विभाग के एक सर्वे में राज्य की 100% महिलाओं ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को अच्छा बताया है। महिलाओं का कहना है कि शराब की बिक्री बंद होने से वे अब बेखौफ होकर रात में घरों से बाहर निकल पा रही हैं। मध्य निषेध विभाग ने राज्य के 8 जिलों के अलग अलग इलाकों में स्थित करीब 4000 घरों में शराबबंदी को लेकर सर्वे कराया। यह सर्वे 4 महीने तक चला। सर्वे में 80% लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया है, वहीं 60% लोगों का कहना है कि शराबबंदी को लेकर और सख्ती बढ़ानी चाहिए। खास बात यह है कि सर्वे में 100% महिलाएं शराबबंदी से खुश हैं। मुकेश हुसैन ने कहा, भाजपा वाले दिल्ली बुला रहे हैं, बोल रहे हैं गलती हो गई। आज से 4 महीने पहले वीआईपी अध्यक्ष मुकेश हुसैन भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर सरकार से अलग हो गए थे, जिसके बाद मुकेश हुसैन के तीनों नेता भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि जब बोचहा उपचुनाव हुआ तो भाजपा को ही इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ी थी, जब वीआईपी ने भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारी की। इसके बाद बिहार में भाजपा के हाथों से सत्ता भी चली गई। वहीं अब मुकेश हुसैन का कहना है कि भाजपा को अपनी गलती का एहसास है। दरअसल खगड़िया में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे सहनी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है, दिल्ली बुला रहे हैं, कह रहे हैं जो गलती हुई है वह आगे नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है दिल्ली जाने का, अगर भाजपा नेताओं को हमसे बात करनी है तो वे मेरे पास आए, हम दिल्ली की दरबारी नहीं करेंगे। अंतरज्योति बालिका विद्यालय में नेत्रहीन छात्राओं के बीच बांटा गया खाने का सामान। बीते दिन अंतरज्योति बालिका विद्यालय कुम्हरार पटना में नेत्रहीन छात्राओं के बीच समाज सेवियों द्वारा खाने का सामान वितरित किया गया। इन लोगों द्वारा दिए गए इन वस्तुओं से छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। सामान वितरण में शामिल स्वेटी कुमारी, आशीष कुमार, चंदन कुमार, सुनील कुमार और उदय कुमार के द्वारा किए गए इस काम से अवश्य ही समाज में एक शुभ संदेश जाएगा। इन लोगों का कहना है कि हमसे जो भी बन सका हम लोगों ने किया और इनकी मदद करने की कोशिश की और आगे भी करेंगे। साथ ही इन लोगों ने अपील की है कि सभी लोग अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों का जितना हो सके मदद करें, उनकी खुशी का कारण बने, उनकी एक मुस्कान से बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। फड़क्का बराज और कोसी बराज से छोड़े गए पानी ने बढ़ाई बिहार की चिंता। बिहार के कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो सुबह तक के अपडेट में प्रमुख घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इस बीच चिंता बढ़ा देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में गंगा पर बने फड़क्का बराज के 63 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं 2 दिनों से कोसी नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद कोसी बराज के 19 फाटक खोल दिए गए हैं, जो कि बिहार के लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। वहीं बक्सर में चौसा मोहनिया हाईवे पर 3 फुट तक पानी चढ़ गया है। कर्मनाशा नदी के बढ़े जलस्तर से गांव में पानी घुस चुका है। बेगूसराय में भी मकान दुकानों में गंगा का पानी घुस गया है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। लोग पलायन करने लगे हैं। गोपालगंज में करीब 4 दर्जन गांव पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। किशनगंज के भी सैकड़ों घर डूब चुके हैं। हाईकोर्ट का आदेश, हर्ष फायरिंग के दोषियों पर ट्रायल में तेजी लाए सरकार। राज्यभर में किए जाने वाले हर्ष फायरिंग के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में संलिप्त आरोपियों के आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने हेतु कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि ऐसे मामलों में अनुसंधान 1 से 3 महीने की
समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। अरुणेश सीता की खोज में पटना पहुंची वाराणसी क्राइम ब्रांच की पुलिस। देश के 10 राज्यों के लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड पटना के अरुणेश सीता के घर पटना में बीते दिन वाराणसी क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार आलमगंज थाना में अरुणेश सीता के खिलाफ ठगी के 2 मामले दर्ज हैं, जिसमें लाखों रुपए की ठगी की है। एसके पुरी और बोरिंग रोड के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पहुंची, वहां से पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि उसके और भी साथी हैं जो फिलहाल पटना में ही हैं और अभी भी ठगी का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में पटना सहित सिवान में भी अरुणेश सीता के गिरोह की तलाश में पुलिस ने तबिश दी है। 2 साल पहले भी यूपी पुलिस ने छापेमारी की थी। हार्दिक ने बताया कैसे उन्होंने अपने अंदर के धोनी को जगाया। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2022 T20 मुकाबले के हीरो रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने अंदर के धोनी को जगाया रखा। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा कि जितना मैं सिंपल रख सकूं मैं कोशिश करता हूं। निश्चित तौर पर माही भाई ने भी जब भी उनके साथ खेला हूं देखा है मैंने, ज्यादा मैंने सवाल किए नहीं, लेकिन नहीं भी देखा तो मैं मानता हूं कि एज अ क्रिकेटर सिर्फ उनसे नहीं, जो जो प्लेयर्स के साथ मैंने खेला है, जो जो चीज मैं ले सकता हूं मैंने लिया। आई फील दैट अगर कोई डिसीजन लाइफ में भी लेना हो, अगर आप शांत और स्थिति को समझने में कामयाब होते हैं तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। देशभर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के महज 5,439 नए मामले मिले हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 107 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 48 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 58,177 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 72 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सोनू कुमार, शंकर मुखिया, आराधना सिंह, अखिलेश यादव, अनिल शाह, राजन कुमार, अशोक कुमार प्रजापति, मोहम्मद अतउल्लाह, अनवर करीम खान, मुटुर रंगीला, पवन सिंह, संजीत कुमार सुमन और अंगद राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।